जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल यानी 23 से 29 जनवरी में 12 राशियों पे क्या ग्रह गोचर रहेगा और ये जो सप्ताह है 12 राशियों का कैसा रहेगा, इसके बारे में हम जनरल प्रिडिक्शन करने वाले हैं, समझने वाले हैं ग्रहों को कि 12 राशियों पे ये सप्ताह कैसा रहेगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो ये सप्ताह देखा जाए तो मकर राशि का बुजुर्गों के लिए या माता पिता के लिए चिंता बनी रह सकती है मकर राशि की। उनके हेल्थ को लेकर थोड़ी आप चिंता कर सकते हैं या उनके हेल्थ को लेकर इशू हो सकते हैं और उनको दिखाने के लिए आपको डॉक्टर या टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। आपके हेल्थ के बारे में ये सप्ताह देखा जाए तो आपकी हेल्थ समस्या सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है, हल्की फुल्की कॉन्स्टिपेशन की समस्या रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति बहुत अच्छी है, कोई अच्छी बड़ी डील इस सप्ताह आ सकती है, कोई बहुत पुराना क्लाइंट लौट के आ सकता है जो अच्छा धन लाभ आपको इस सप्ताह दे सकता है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह करियर में कोई शुभ समाचार, गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। काम के सिलसिले में आपको दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है, अच्छे आपको एडवाइस मित्रों से मिल सकती है जिससे आपके काम बन सकते हैं। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह वीकेंड पे आप मित्रों के साथ में और पार्टनर के साथ में मॉल में जाने वाले हैं, पार्टी में जाने वाले हैं और पार्टनर को खुश करने वाले हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह आप पार्टनर और आपके रिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। पार्टनर की और मित्रों की जो कंप्लेंट थी, जी आप मिलने नहीं आ रहे हैं, हम पे ध्यान नहीं दे रहे, उस कंप्लेंट को आप वीकेंड में पूरा करने वाले हैं। तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह लाभकारी है।